करौंधी के तार मुख्य मार्ग पर कूपा में 11,000 प्रवाही तार अचानक टूट के गिर जाने से तकरीबन 2 घंटा सड़क पर आवागमन बाधित रहा। 11,000 प्रवाही तार गिरने के बाद भी लाइन प्रवाहित हो रहा था, सड़क पर आग फेंक रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीण काफी डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने तार गिरने की सूचना स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा पावर सब स्टेशन को दी है, फिर भी प्रवाही तार में लाइन को बंद नहीं किया गया। काफी देर तक उक्त सड़क खरौंधी के तार मुख्य मार्ग तकरीबन 2 घंटा बंद रहा। आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग तो केतार से भवनाथपुर होते हुए खरौंधी पहुंचे, तो कुछ इंतजार करते रहे। ग्रामीणों ने बताया कि तार गिरने की सूचना पावर सब स्टेशन में दे दी गई है। सूचना के तकरीबन 2 घंटे बाद लाइन मेन पहुंचकर तार को तितर बितर किया, तब जाकर के सड़क मार्ग खुला एवं फंसे हुए लोग अपने गंतव्य स्थान पर गए। जानकारी के अनुसार लाइन मेन के द्वारा उक्त गांव के तरफ से लाइन काट दी गई है एवं लाइन मेन के द्वारा तार से प्रभावित करने के लिए कार्य किया जा रहा है, ताकि उक्त गांव के लोगों को बिजली मिल सके।